नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों बनाने वाला हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे चैनल पे आपको छोटे मोटे बिजनेस के स्टार्टअप के बारे में बताया जाता है, तो उसी प्रकार से मैं आपको जैसे कि छोटा हाथगाड़ी होता है, हाथगाड़ी कितने का मिलता है, छोटा स्टॉल कितने का मिलता है, जूना हाथगाड़ी या नया हाथगाड़ी कहाँ से बनवाएंगे, उसमें कौन सा क्वालिटी ऐसा लेंगे कि आपको सस्ते में मिलेगा, अगर आपका बजट है तो महंगे में भी आप ले सकते हैं, उसमें कौन सा अच्छा क्वालिटी आएगा, कौन सा मीडियम क्वालिटी आएगा, सभी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको हाथगाड़ी का ज़रूरत लगेगा या तो छोटा कोई स्टॉल होता है उसका ज़रूरत लगेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको पहले हाथगाड़ी के बारे में बताऊंगा। हाथगाड़ी में दो से तीन क्वालिटी का आता है। पहला क्वालिटी आता है जो कि वो घोड़ा टायर होता है, जो कि एकदम कम रेंज का होता है, उसका कॉस्ट एकदम कम होता है। जैसा कि घोड़ा टायर में आपको नया हाथगाड़ी आप लेंगे तो एकदम कम से कम 4000 के आसपास मिल जाएगा। इसका एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगा। और आपका अगर बजट है तो आपका 6 से 7 हज़ार रुपये में 21 स्टॉक का, जैसे उसका रिंग होता है ना, रिंग 21 रिंग आता है उसमें, जो कि आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में आ जाएगा। और उससे भी अधिक आपको एवरेज वाला, ज़्यादा पैसे वाला लेना है तो आपका 28 से 29 रिंग का आ जाएगा। जो तिली, उसका जो तिली आता है वो 28 से 29 आता है, जो कि आपका 7 से 8 हज़ार रुपये में उसका आपको प्राइस मिल जाएगा आपको। जो कि ये कहाँ पे मिलेगा इसका मैं एड्रेस आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अगर मुंबई में होते हो, रहते हो अगर, तो आपको मैं हमारे यहाँ पे जैसे कि उल्लासनगर करके एक एरिया है, वहाँ पे 3 नंबर, आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं, 3 नंबर एरिया है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। वहाँ पे एक एक पार्ट उसका, जो हाथगाड़ी का टायर होता है, उसका व्हील होता है, उसका चेचिस होता है, जो उसका बॉडी होता है, वो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसका फ्लैट, जो फ्लैट ऊपर जो ये रहता है, आप जैसा कि देख सकते हैं इस प्रकार से फ्लैट उसका रहता है, वो अलग अलग तरह से वो लोग बनाते हैं। जैसा आपका बजट रहेगा उस हिसाब से वो लोग आपको बना के देते हैं। जैसा कि घोड़ा टायर में जो इसका फ्लैट होता है वो एकदम सादा लकड़ी का होता है। जैसे कि अब जितना आपका बजट होगा उस हिसाब से वो लोग देते हैं। तो जैसे आप अगर आप 4000 रुपये का अपना लेते हैं हाथगाड़ी घोड़ा टायर का, जो उसका फ्लैट होता है उसका सादा लकड़ी का होता है, वो उसका ज़्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वो कंफर्टेबल है, 4 से 5 साल आराम से चल जाएगा। और दूसरा हम बात करते हैं कि दूसरा साग का लकड़ी होता है। साग का लकड़ी का फ्लैट जो होता है उसमें ना काफ़ी वजन रखने पे भी वो नहीं टूटता है। जैसे कि कोई कांदे बटाटे का बिजनेस कर रहा है हैवी, नारियल पानी का बिजनेस कर रहा है, या कोई हैवी चीज़ जो फ्लैट के ऊपर रखना है, जैसे हाथगाड़ी के ऊपर रखना है, तो वो टूटेगा नहीं। वो साग का लकड़ी होता है, उसका बजट 7 से 8 हज़ार रुपये, जैसे कि मैंने बताया, वो 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको मिलता है। तो इसमें फ़र्क 2 से 3 क्वालिटी का आता है। 3 क्वालिटी में आपको जैसे घोड़ा टायर लेंगे 4000 के आसपास, तो उसमें सादा लकड़ी का यूज़ वो लोग करते हैं। और जैसे 7 से 8 हज़ार रुपये का अगर हाथगाड़ी लेते हैं आप, तो उसमें साग का लकड़ी यूज़ करते हैं, और उससे अच्छा क्वालिटी का यूज़ करते हैं, तो अच्छा लकड़ी यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो मटेरियल कुछ भी होगा, जैसे कांदा बटाटा रखते हैं आप अपने हाथगाड़ी पे, तो वो वजन उस हिसाब से वो झेल लेगा। इस हिसाब से आप वो लोग आपको हाथगाड़ी बना के देते हैं। जैसा कि अगर आपका इच्छा है कि आपको अपने हिसाब से हाथगाड़ी बनाना है, आपको अपने हिसाब से स्टॉल बनाना है, तो आप वहाँ जाके अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि मेरे को 4 टायर का चाहिए, मेरे को 2 टायर का चाहिए, डिपेंड अपॉन आपका कैसा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप बनवा सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।